In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read newspaper both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all 3 newspaper. Then find one number 1, the number of people who read at least one of the newspaper. Number 2, the number of people who read exactly one newspaper. मतलब कि टोटल 60 पीपल का सर्वे हुआ है, जिसमें से 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले का नेमिंग है, एक न्यूज़पेपर का नेम है एच, दूसरे न्यूज़पेपर का नेम है टी और तीसरे न्यूज़पेपर का नाम है आई। यानी कि एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो हैं पीपल वो 25 हैं और टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल 26 हैं, आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले पीपल 26 हैं और एच आई दोनों पढ़ने वाले 9 हैं, एच टी दोनों पढ़ने वाले 11 हैं और टी आई दोनों पढ़ने वाले 8 हैं और एच टी आई तीनों पढ़ने वाले 3 हैं। हमें ये दोनों फाइंड करना है, पहले गिवन में जो जो हमारे पास है उसको लिख लेते हैं। वी है नंबर ऑफ एच इक्वल टू 25, नंबर ऑफ टी इक्वल टू 26, नंबर ऑफ आई इक्वल टू 26। अब देखिए यहाँ पर 9 जो है ना, एच आई दोनों है ना, तो दोनों जब होगा तो इंटरसेक्शन लगेगा, यानी एच आई नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एच एंड आई दोनों का हमारा 9 हो गया। फिर एच एंड टी का यानी एच इंटरसेक्शन टी का हमारा जो है 11 हो गया। फिर टी एंड आई का, टी और आई के इंटरसेक्शन का हमारा नंबर 8 हो गया और तीनों एक साथ में तीनों के इंटरसेक्शन यानी कि एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई जो हमारा है वो 3 हो गया। अब हमें फाइंड करना है ना कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वो कितने व्यक्ति हैं, कितने आदमी हैं जो एटलीस्ट यानी कम से कम एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। तो कम से कम पढ़ रहे हैं मतलब कि ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं वो। तो जब एटलीस्ट की बात करेंगे हम ना, तो यूनियन यानी कि जो तीनों में है सबको निकाल देंगे, यानी कि नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको लिखाए हुए थे, फॉर्मूला हो जाएगा एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई तीनों एक साथ, फिर माइनस में एच इंटरसेक्शन टी, फिर माइनस में टी इंटरसेक्शन आई, देखिए फिर माइनस में एच इंटरसेक्शन आई और फिर प्लस में हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन यानी एच टी और आई। तीनों का वैल्यू जो जो हमारे पास में है पुट कर दिए, एन एच का वैल्यू 25, एन टी का वैल्यू 26, एन आई का वैल्यू 26, एन एच इंटरसेक्शन टी का वैल्यू 11, टी इंटरसेक्शन आई का वैल्यू 8 और फिर हमारा एच इंटरसेक्शन आई का वैल्यू 9 और हमारा एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई का वैल्यू 3। हम यहाँ पर प्लस कर दिए, 25 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 3 तीनों प्लस करेंगे 80 हो जाएगा और माइनस वाले एक साथ माइनस 18 माइनस 8 माइनस 9 तीनों माइनस एक साथ 28 आ जाएगा, यानी 80 माइनस 28 52। 52 हमारे जो पीपल में ना, ये हमारे एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर को जरूर पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी पढ़ रहा है एच पढ़ रहा है तो 50 नहीं पढ़ेगा, नहीं एच भी पढ़ रहा है, ये कम से कम 52 ऐसे पीपल हैं जो एटलीस्ट एक को पढ़ रहे हैं। अब सेकेंड में फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, यानी कि वैसे पीपल बताइए जो एग्जैक्टली सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको निकालेंगे ना, सिर्फ ओनली की बात है, यानी ओनली निकालना, एग्जैक्टली मीन्स ओनली निकालना, यानी नंबर ऑफ एच ओनली निकालेंगे हम, तो एच ओनली प्लस एन टी ओनली फिर प्लस नंबर ऑफ आई ओनली, तीनों ओनली ओनली को हम लिख दिए, तीनों को सम करेंगे तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर का आंसर हमारे पास आएगा। अब देखिए जब हम एच ओनली को फाइंड करेंगे ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना कि एन एच माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, क्योंकि एच के साथ में टी दिया हुआ है गिवन हमारे पास में, तो एच इंटरसेक्शन टी और माइनस फिर नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, यानी कि हम एच को निकाल रहे हैं तो एच के साथ में दो रिलेशन हमारे पास में है, इंटरसेक्शन में एच इंटरसेक्शन टी है और एच इंटरसेक्शन आई गिवन में दिया हुआ है, तो यानी एच के साथ में जो जो होगा वो दोनों को माइनस कर देंगे किससे, तो एन एच में से, यानी कि नंबर ऑफ एच में से, और लास्ट में प्लस कर देंगे हम तीनों का इंटरसेक्शन यानी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। जिस तरह से एन एच ओनली में हम यहां पर निकाले हैं ना, लिखे हैं ना सेम टू सेम, उसी प्रकार से टी ओनली के लिखेंगे, एन टी ओनली निकालना है ना तो एन टी फिर माइनस टी के साथ में एक हमारा हो जाएगा टी इंटरसेक्शन एच माइनस टी इंटरसेक्शन आई और फिर प्लस हमारा तीनों जो दिया हुआ तीनों के साथ में एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई।
उसी प्रकार से जब आई का निकालना है ना, तो एन आई में से माइनस करेंगे किसको, तो आई के साथ में इंटरसेक्शन दो है तो दोनों को माइनस, यानी कि एक हमारा आई इंटरसेक्शन एच माइनस आई इंटरसेक्शन टी, और फिर प्लस में वही हमारा एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये हमारा रूल है, ये हमारा फॉर्मूला है इस ओनली को फाइंड करने के लिए। अगर सिर्फ हम ये फाइंड करने के लिए बोलते हैं ना एच ओनली, तो सिर्फ यहां से लेकर के हम यहां तक लिखते हैं, जिसको निकालने बोला है उसके नंबर में से माइनस उसके साथ जो जो इंटरसेक्शन में दो हैं वो दोनों का माइनस और प्लस तीनों का इंटरसेक्शन। इसी तरह से एच वाले को भी पुट कर दिए, टी वाले को भी पुट कर दिए और आई वाले को भी पुट कर दिए। अब यहाँ देखेंगे ना कि एन एच एन टी एन आई एक साथ प्लस प्लस में है, प्लस प्लस में एक साथ ही दोनों को लिख दिए। अब क्या है ना कि एच इंटरसेक्शन टी यहां भी है, एच इंटरसेक्शन टी देखिए यहां भी है और एच इंटरसेक्शन टी यहां भी होगा, यानी कि तीन नहीं दो जगह पर एच इंटरसेक्शन टी यहां है और यहां है, सॉरी दो जगह पर है, तो दोनों को लिखेंगे तो टू होगा ना, तो टू को कॉमन ले लिए, यानी कि एच इंटरसेक्शन टी दो बार मिला, एच इंटरसेक्शन आई भी देखिए दो बार मिलेगा, एच इंटरसेक्शन आई यहाँ पर और यहाँ भी दो बार मिला, और फिर टी इंटरसेक्शन आई यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, यानी कि ये तीनों जो है दो दो बार मिला है, तो टू को कॉमन निकाल दिए हैं और माइनस को बाहर निकाल दिए हैं ना, तो सब में माइनस 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 था, तो यहाँ ब्रेकेट के अंदर में प्लस 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 हो गया, तीनों टू कॉमन निकाल के तीनों का हम प्लस कर दिए। अब प्लस ये हमारा एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई जो था ना तीन बार आया, एक बार एच के लिए, एक बार टी के लिए और एक बार आई के लिए, तीनों को प्लस करेंगे ना, थ्री इंटू हो जाएगा एन नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। अब क्या करेंगे ना, वैल्यू पुट करेंगे, एन एच का वैल्यू 25 प्लस एन टी का वैल्यू 26, एन आई के वैल्यू 26 माइनस टू का टू, इसका वैल्यू हमारा है 9, एच इंटरसेक्शन टी का वैल्यू 11, टी इंटरसेक्शन आई का वैल्यू 8 पुट कर दिए, प्लस प्लस 3 का 3 मल्टीप्लाई एन नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई का वैल्यू 3, तो 3 लिख दिए। अब 25 प्लस 26 प्लस 26 जोड़ेंगे हम तो 27 हो जाएगा, माइनस 2 हो गया और यहाँ कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो गया, इसको सबको जोड़े 28 हो गया और प्लस 3 3 9 हुआ। अब 77 माइनस 2 इंटू 28 56 प्लस 9, 77 और 9 को जोड़ दें 86 हो गया, 86 माइनस 56 हमारा हो गया 30, और 30 हमारा निकल गया कि नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर, ये हो गया हमारा आंसर।